अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले आपको कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि फिज़िक्स क्या होती है, मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है और किस तरह के इसके पोल्स होते हैं। हर तरह का मैंने आपको टॉपिक इसका बता दिया। अगर किसी टॉपिक की आपको समझ नहीं लगी, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करते हैं के साथ साथ आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता जाएगा। आपने बेल आइकन को प्रेस करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको वीडियो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। और चलें जी, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज के वीडियो का क्या टॉपिक है, चलें जी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डिफाइन मूवमेंट्स एंड कपल। व्हाट इज़ मूवमेंट्स? मूवमेंट्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है और कपल्स क्या होते हैं। यानी कि हम फिज़िक्स के हिसाब से डिस्कस करने जा रहे हैं कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ मूवमेंट्स? मूवमेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट। यानी कि कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि प्रोडक्ट टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट। इसका साइन, इसके सिंबल, इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय एम। एम के साथ इसे डिनोट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़, इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज़ न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। मोमेंट्स का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। मोमेंट्स को किस तरह से मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन इसकी बनाएंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। एम इज़ इक्वल टू, मोमेंट को एम से डिनोट करते हैं, इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड एफ मल्टीप्लाई बाय डी। एफ मल्टीप्लाई बाय डी से मुराद है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, मैग्नीट्यूड और फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? डिफाइन द टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी इन अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? इसकी दो टाइप्स, दो डेफिनेशंस बताई गई हैं। दो डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, आपको जो अच्छी लगे, आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इज नोन एज मूवमेंट और टॉर्क। इज नोन एज मूवमेंट और टॉर्क, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द पॉजिटिव वेक्टर इज कॉल्ड टॉर्क। मैथमेटिकली टॉर्क को कैसे लिखा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, इसकी वैल्यू क्या है, क्लॉकवाइज कैसे घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और मैं आपको ये स्पीड, वेलोसिटी सब के बारे में बताऊंगा। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड द टाइम पीरियड कम्प्लीट्स इट्स साइकिल व्हेन द क्वांटिटी कम्प्लीट्स इट्स साइकिल इन द टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी से भी मुराद यही है कि अगर आपकी कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर टाइम पीरियड के अंदर अपना साइकिल या सर्कल कम्प्लीटेड इन वन साइकिल इज कॉल्ड, इन वन सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद है टाइम पीरियड इज इक्वल इज आल्सो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल है, ये ऑपोजिट है फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू वन ओवर f, f फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, वन ओवर f के। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।